बांग्लादेश दौरे पर गए भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ढाका के जिस होटल में ठहरे हुए हैं, आज उस होटल के बाहर बम विस्फोट हुआ। राहत की बात ये कि विस्फोट काफी कम तीव्रता का था और इसमें किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ढाका के सोनार गांव पैन पैसिफिक होटल के बाहर आज कम तीव्रता का एक देसी बम फेंका गया। खास बात यह है कि बांग्लादेश दौरे पर गए हुए भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इसी होटल में ठहरे हुए हैं और सोमवार को दोपहर बाद जब विस्फोट की घटना हुई उस समय राष्ट्रपति होटल के अंदर मौजूद थे। Nothing happened actually, nothing is harmful here and you know and no threat is regarding president security or any other VIP security. भारतीय अधिकारियों का भी यही नजरिया है कि यह छोटा धमाका था और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। Let me assure you first that everything is normal in front of the hotel where the president is staying. None of those who were inside the hotel, including the president, heard of this explosion or were in any way affected. गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से ढाका हिंसा की आग में जल रहा है। अपने नेताओं को सजाए मौत सुनाए जाने के खिलाफ कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी ने दो दिन की हड़ताल रखी है और कयास लगाया जा रहा है कि होटल के बाहर विस्फोट को इसी संगठन ने अंजाम दिया होगा।